वेलकम बैक नाजरीन। कामरान साहब मुझे ये बताइए, ये तो आपकी हर्डल्स होगी ना, आपके एंड से आपको बिजनेस करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, तो जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करनी पड़ती हैं कि उसको इंटरनेशनल मूव करनी है कोई चीज़ या नेशनली, तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े वजाहत के साथ बयान करते हैं। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट मैटर है जी। अब मामला ये कि जिस रीजन के अंदर हम रहते हैं, इस रीजन में कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पुअर होती है इस मामले में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमारे, जिसे हम उर्फ़ हमें बेटी भाई कहते हैं, जो हमारी बेटी भाई है ना, वो उनको समझाना नहीं चाहते, इंटेंशनली बताना नहीं चाहते। और आपको तो ये तो ओवरऑल प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ नहीं चलते और वो जानबूझ के बताना भी चाहते हैं यार, ये सीख जाएंगे समझ जाएंगे तो शायद पता नहीं हमें नुकसान होगा। और ये आपको सुन के बल्कि बड़ी गले के ना वो भी हैरत होगी कि बहुत सारे कस्टमर ने मुझे आके ना इस चीज़ में खास तौर पे ये अप्रिशिएट किया कि आपने हमारा नॉलेज बढ़ा दिया। और उन्होंने खास तौर पे बताया कि हमें बहुत सारे हमारी फील्ड के जो भाई थे, जो लॉजिस्टिक्स से, सप्लाई चेन से, या फ्रेट फॉरवर्डिंग से, या शिपिंग से रिलेटेड थे, वो कहते उनको नहीं बताते थे बल्कि बड़े ब्लंट हो जाते थे इस मामले में कि आपको ये क्यों जानना है। तो सबसे पहले खैर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप कस्टमर को पूरा नॉलेज दें, उसका हक है, उसका राइट है। हम तो उसकी मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक हम सर्विसेज दे रहे हैं, उसका करोड़ों अरबों का सामान है, तो वो तो ज़्यादा स्टेक पे है, तो उसको हक है कि उसे पूरा बताया जाए कि यार पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो इसलिए फिर खैर हमने ये बेड़ा उठाया कि हम उनको पूरा नॉलेज देंगे, हर चीज़ उनको बताएंगे। तो हमने एक फ्री कंसल्टेंसी स्टार्ट की और वो हमारे ऑफिस में फ्री कंसल्टेंसी अवेलेबल है। हम अपने तमाम कस्टमर्स को, अपने वॉक इन कस्टमर्स को, जो हमारे रेगुलर कस्टमर, उनको भी, उनको फ़ोन कॉल पे भी जब आते हैं तब भी उनको तमाम डिटेल देते हैं। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसमें हम साथ साथ ना उनको वो नॉलेज साथ साथ प्रोवाइड करते रहते हैं कि अब टेक्निकली उनकी मूवमेंट कैसे जा रही है। तो सबसे पहले ये है कि आपको प्रोवाइड करना चाहिए, मेरी गुजारिश अपने तमाम जो फॉरवर्डर हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है कि उनको ना एजुकेट करें अपने कस्टमर्स को। अच्छा, अब दूसरे एंड पे ये आते हैं जिसका हक है पूरा कस्टमर का जानने का। जब वो पूरी चीज़ जान जाता है ना, अब वहाँ पे एक इश्यू क्रिएट क्या होता है कि वो कहता है कि अच्छा अगर मैं, तो वो फिर ना बड़ी ही टाइट किस्म की निगोशिएशन स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे उनको समझाना चाहिए कि यार आप एक ना मतलब रिजनेबल से मार्जिन के साथ साथ चलें ताकि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या इश्यूज हमारे कस्टमर्स को आते हैं, तो आजकल जो बड़ा इशू चल रहा है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, क्योंकि रेमिटेंस के इशू है, तो इसलिए एलसीज़ का इशू है। आपकी जो एलसीज़ ओपन ही होती है तो फिर वो जाते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द टेक्निकल टर्म, देन जाते हैं डीए के ऊपर। अब डीए के ऊपर दैट्स कॉल्ड द डेफर्ड पेमेंट, जिसके अंदर 360 डेज की, 180 डेज की, कैश ऑन अराइवल की, इस तरह की कुछ ऑप्शन है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ की हुई। तो हम उन तमाम रूल्स को फुलफिल करते हुए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्लाई किए, तमाम बैंक्स के साथ और कस्टमर्स के साथ कंसल्ट करके उनको एक पूरा स्मूथ वे क्रिएट करके देते हैं, ताकि उनके लिए कोई इशू ना बने और उनके लिए कोई हैजल ना, और टाइम डेफिनेट मूवमेंट है तो उनका टाइम वहाँ पर वेस्ट ना हो। तो हम वो सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करके उनको देते हैं और उसमें साथ साथ उनको बताते हैं कि यार ये प्रोसेस था, उसकी वजह ये थी और ये प्रोसेस यहाँ से होके गया। तो दूसरा इशू जो आता है, जिसमें ख़ास तौर पे तमाम कस्टमर हजरात से गुजारिश है कि उन्हें थोड़ा सा नज़रसानी की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन के कुछ मैटर होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारी कुछ बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवाइस एंड पैकिंग लिस्ट, ये कुछ हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सम टाइम कस्टमर्स बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते और वो कहते हैं कि आप ही नहीं करना तो सारा कुछ कर। तो हम कैस्पर तो हैं लेकिन हम जिन नहीं हैं। तो हम उनको करके देंगे, लेकिन हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मेलिटीज वो फुलफिल करनी है, जो कस्टम्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है, जो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है, इन सब को फुलफिल करते हुए हमने एक पूरा स्मूथ वे क्रिएट करके देना है। और लेट मी टेल यू कि ये सारा बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हमारी बहुत बड़ी मार्केट है जो कि इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए
उनको ओवरचार्ज किया जाता है। आपने मेरे सवालों में कमी कर दी है, मेरा ये भी सवाल था आपसे कि आपकी चूंकि सप्लायर कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो वो आपने पहले ही बता दी कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, रियली अप्रिशिएट कि आप नॉलेज भी फ्राहम कर रहे हैं। और अच्छा, ये तो हमारे यहाँ एक हमारे ख्याल है ना कि भाई अगर कोई काम सीख जाएगा तो वो कर लेगा, नहीं, जिसका काम उसी को साझे और वही करता है, सही हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा कस्टमर आया हो कि जिसने ऐसी कुछ बात कही हो तो जो आज भी आपको वो किस्सा याद हो, यार वो कस्टमर आया था, और इस तरह की कोई कहानियाँ होती हैं कस्टमर्स की? ऐसे रोज होती हैं वैसे तो नहीं, कोई एक जो आपको बहुत मजे के लिए इंटरेस्टिंग सी हो। हमारे पास कस्टमर की जी असल में तो ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, बट विद लॉट्स ऑफ अपोलॉजीज है क्या कि हर एक ना अपनी कॉन्फिडेंशियलिटीज है। अब हर कस्टमर ने आके जब भी कोई चीज़ें हमसे ना मतलब कोई डिस्कस की है या कोई चीज़ बताई है उसके अंदर उसकी अपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी पाई जाती है, तो हम ये कहते हैं, बिल्कुल हम डंके की चोट पे ये कहते हैं वैसे कि हम वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो हम बरकरार रखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही फील्ड के बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते हैं, तो हमारे पास वो अमानत भी है और हमारे पास वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो हम उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए पूरी ईमानदारी निभाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो 100% वहाँ पे वो फुलफिल हो, किसी के दूसरे के पास कोई भी इंफॉर्मेशन वो कर सकते हैं। बहुत सारे राज हैं लेकिन एक मैं बात बता देता हूँ। हमारे कस्टमर हैं और फेडरल चैम्बर के वो एक्स प्रेजिडेंट भी रहे हैं, और वो जब हमारे पास आते हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लेके हमसे पूछा, 5 कस्टमर्स के नाम लिए, उन्होंने कहा जी कि ये मूवमेंट करते हैं, तो उन्होंने हमसे स्पेसिफिकली पूछा कि किस रेट पे करते हैं, तो मैंने कहा जी जिस रेट पे करते हैं हम आपको भी बड़ा कंपेटिटिव दे देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं हमें उनका रेट चाहिए, मतलब द बाइंग रेट जिस पे वो करते हैं। अच्छा, वो अब सब डिटेल हमारे पास होती है, लेकिन उनसे मैंने फिर गुजारिश खुद की कि जी वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, और अगर आप दोबारा फिर ये पूछेंगे तो फिर मैं आपसे एक्सक्यूज करूंगा कि शायद मैं आपके साथ ना काम कर सकूं, तो लेकिन बहरहाल खैर हुआ ये कि वो उन्होंने रिपीटेडली कितने माह तक थोड़े एक मदरसे के बाद फिर कहीं मतलब वो मीटिंग रखते थे, मिलने के लिए आते थे और फिर मुझे ये पूछते शायद बताते, तो बहरहाल फाइनली उनसे फिर जो है ना मुझे बड़ा क्लियर वर्ड से मैंने दरख्वास्त की सर ये नहीं आपको बताया जाएगा, तो बहरहाल मैं तो वो मैं हमारे बड़े सीनियर कस्टमर हैं तो इनफेक्ट थे क्योंकि इसी वजह से ना हमने थोड़ा सा पुल बैक किया कि यार हम किसी भी ना किसी कॉन्फिडेंशियलिटी वो हम वो नहीं कर सकते, उसको ओपन नहीं कर सकते, तो वो रिपीटली पूछते थे, एक दफा नहीं कई दफा, मुझे हैरत इस बात पे थी कि ये वो नॉर्म्स हैं या ये वो एटिकेट्स हैं या ये वो अखलाकियात हैं जिसमें अगर आप एक दफा गलती से तो कर जाएं लेकिन दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते, तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज है ना, क्या पता कोई उधर भी बहुत बड़ा राज हो। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, जैसे कि अब ईद भी करीब करीब है तो कुछ ऑफर्स वैसे कंपनीज लगाती है, तो इसमें भी क्या लॉजिस्टिक के इसमें सर्विसेज में भी कोई ऑफर्स आप देते हैं कस्टमर्स? बम्पर ऑफर जी। अच्छा, हमारे आपकी बार ईद पे क्या दे रहे हैं ऑफर? आपके बार हम ईद पे लाइट चल रहे अपने अपने तमाम हम कस्टमर्स को उनको हम इससे तो गिफ्ट हैंपर्स भी देते हैं, और ईद से रिलेटेड हमारे पास खैर हमारे जो बाकी जो हमारे मैंगोज हैं वो भी उनको डिलीवर किए जाते हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ खैर मैंगो सारी टीम सुन रही है तो ये तो एक ईदी का पार्ट है, ये तो उनको जाता है। और जो मैं आपसे बम्पर ऑफर की बात करूं वही होता है कि हमारे इसके अंदर ना जैसे ईस्टर पे लगती हैं बहुत सारी जो सेल्स लगती हैं हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ सेल्स तरह लगती हैं, हम ये करते हैं कि जब एक पीक सीजन आता है ना हम अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं उसमें, और उसमें क्योंकि रोटेशन बहुत तेज होती है तो हम अपने बल्क रेट्स क्योंकि हमारे पास वो मोमेंट बल्क में आ रही होती हैं तो हम अल्टीमेटली उनको वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट डिस्काउंट होती है क्योंकि हमें एडहॉक मिलता है एयरलाइन की तरफ से एडहॉक मिलता है, जहाँ पे हमने 1000 मूव करना था यहाँ पे अगर हम कोई 12,000 की इकट्ठी मूवमेंट कर रहे हैं तो एडहॉक रेट होता है तो उसके मुताबिक हम उनको देते हैं। अच्छा, ये मेरी डिस्कशन हुई हमारी फील्ड के बहुत सारे हमारे दूसरे पीटी भाई से,
तो वो कहते यही तो टेन्योर होता है कमाने का, जब हमारे पास वो आता है बल्क बनता है हम वहां से अर्निंग करते हैं। तो पर हम उस तरह की वो वहां से अर्निंग हम नहीं करते, हम कहते हैं कि यार हमारे पास अपना जो हमारे 90 तुले मार्जिन है। कस्टमर आपका पक्का है और वो चूंकि कस्टमर टू कस्टमर बनता है, एक आप अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस चीज से कितने लोग फायदा उठा, कस्टमर फ्लोर बढ़ता है, ग्रैप होते हैं कस्टमर्स होते हैं। हमें लगता था खवातीन ही होती है 10% डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट पे, यहाँ पे भी होते हैं। अभी एक चलते हैं मुख्य सिर से ब्रेक के बाद, लौट कर आएंगे बताते हैं।